السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا <الرس> اشتيت پر بیٹھے علماء کرام باوقار سامعین اس عظیم الشان کانفرنس کے مشتركين हाजरीन व हाजरात सामीन वाम तमहीद में मैं अपना वक्त गमा कर और अपने असल मौजू को पीछे नहीं करना चाहता इसलिए बग़ैर तमहीद के मैं अपने असल मौजू की तरफ़ आता हूँ मेरा मौजू कुछ ऐसा है कि रसूल अक्रम सम ने अपनी तेईस साल ज़िंदगी में जिन लोगों को तरबियत दी थी और जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैत करके इस्लाम की दौलत से अपनी झोलियाँ भरी थी उन लोगों के अंदर जज्ब इतात और फर्मा बरदारी कैसा था जो आयत करीमा मैंने आपके सामने रखी है इस आयत करीमा में हमारे और आपके लिए और रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही वाज पैगामबुल्ज़त ने दिया है अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहते हो कामयाबी चाहते हो जन्नत चाहते हो दुनिया में शुरुख्रू होना चाहते हो और आखिरत में जहन्नम से बचकर जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए दो निकाती फार्मूला है एक तो रसूल अक्रम सम की फर्मा बरदारी करो और आपकी फर्मा बरदारी को साहब कराम रजवानल तजमयीन की जिंदगी में उनके अमल और किरदार से उसको समझो आपने क्या कहा ए कराम ने क्या समझा फिर उस पर अमल कैसे किया यह है कामयाबी का सीधा और सच्चा रास्ता इस आयत करीमा में यही बतलाया गया रसूल की मुखालफत और मोमिन की मुखालफत करके कोई आदमी कामयाब नहीं हो सकता अगर कामयाबी से सरफराज होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि रसूल की फर्मा बरदारी करें और मोमिन और यहाँ तो ईसायत करीमा में मोमिन से मुराद साहब कराम के अलावा कोई मोमिन नहीं ममशाक़िर रसूल मम्बा दमा तबैन लहुदा व्यक्त गैर गई रबीलमिन मोमिन के रास्ते से जुदा होकर जो जाएगा चलेगा जिंदगी गुजारेगा तो उसका इस्तबाल जन्नत के फरिश्ते नहीं करेंगे और अल्लाह रबुलजत भी उसको ज़बरदस्ती फरिश्तों के जरिए पकड़वा कर जन्नत के रास्ते पर नहीं लाएगा नबी और रसूल के साहब कराम के रास्ते से जुदा होकर कोई और रास्ता इख्तियार किया है तो अल्लाह रबुलज़त कहता है मातवल्ला वो जदर जा रहा है जाने देंगे वन ही जहन्नम ये जा रहा है जन्नत के रास्ते पर नहीं जहन्नम के रास्ते पर जा रहा है उसी में जलाएंगे इसे और उसी में तपाएँगे तो अब हमारे लिए तो साफ़ साफ पैगाम है जन्नत में जाना है कामयाब होना है तो नबी का रास्ता पकड़ना है और साहबा के राम के नक्शे क़दम पर चलने की कोशिश करना है उन्होंने दीन कैसे समझा है इस बात को जहन में बिठाना है और उनकी नक्श कदम पर चलना है दीन इस्लाम दो ही बातों का मजमु है एक अल्लाह की फर्माबर्दारी और एक रसूलुल्लाह की फर्मा बर्दारी अशदअल्ला व अशद मोहम्मद अब्दू व रसूल ये जो कलमा है ये इस्लाम की बुनियाद है खुलासा है और इस्लाम का पूरा निज़ाम वो इबादत का निज़ाम हो समाज का निज़ाम हो बे का निज़ाम हो सारा का सारा इस कलमे की तशरी है इस कलमे की अहमियत आप इस बात से समझें कि सारा कुरान इसी कलमे के इर्द गिर्द घूमता है और सारी अहदीस इसी कलमे की तशरी करती हैं और सारे साहब क़राम की जिंदगियाँ इसी कलमे का परता और अक्स है वो जो कुछ भी नजर आता है वो इस कल के इर्द गिर्द, गिर्द नजर आता है अनु बयान फरमाते हैं और ये हदीस है इब्ने माजा की रसूल अकरम फरमाते हैं मा अमर तुकुम भी मैं जिस बात का तुम्हें हुक्म दूं कौन कह रहा है अल्लाह के रसूल तो उसको लाजिम पकड़ लो तावीले मत करो इधर उधर ना जाओ अगर मगर ना करो फखुजू उस पर अमल पैरा हो जाओ तो कुमान हूँ फन हूँ और जिस चीज़ से रोकूँ उससे रुक जाओ बहाने मत करो उस पर चलने के लिए अगर मगर मत करो फला ने यह कहा है फलाने ने यह कहा है ये चीज़ तुम्हें रास्ते से हटा देगी मेरी फरमाबरदारी से बाहर कर देगी ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है और सही तरीन हदीस हजरत अब रजी अल्लाह अन्हु की एक दूसरी हदीस जरूनी मा तरक् मनका नुम बिसम अख्तिलाफ़ियाम फ़ैदा अमर तु कुम बन फदिन मस्ता तुम रसूल अगरम फरमाते हैं ज़्यादा मीन मेख मत किया करो अल्लाह के रसूल ऐसा हो तो ऐसा हो जाए तो और अगर यूं हो जाए तो और अगर कोई ऐसा कर ले तो ये सारी बातें मत पूछा करो जब तक मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ मैंने हुक्म दिया उस पर अमल करो मस्तता तुम जहाँ तक तुमसे उस पर अमल हो सके अगर ऐसा हो जाए अगर वैसा हो जाए और इसी चीज़ ने बाद में चल कर लोगों को और ख़ास तौर से उलमा की एक जमात को एक बीमारी में डाल दिया कि उन्होंने फ़र्जी मसाइल गढ़े और किताबों में लिखे और इसका नाम फ़िकर शरीफ रख दिया और बाद में लोग इसी वजह से इख्तलाफ में पड़ गए रसूल अकरम ने कहा था जरूरी मात रख तुम जब तक मैं किसी चीज में पाबंदी ना लगाऊं खुले तौर पर उस पर अमल करते रहो जो जैसे तुम कर सकते हो और अगर किसी चीज से मैं मना करूं फन तो रुक जाओ नहीं अगर ऐसा हो जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं नहीं ऐसा हो जाए तो कर सकते हैं अगर मगर मत करो दीन में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है ये भी इबन माजा शरीफ़ की सही हदीस है एक और हदीस इसके भी राबी हज़रतूर रह हैं और ये हदीस भी इबन माजा की है और सही तरीन हदीस है फरमाते हैं मन अतानी फ़क़्ला अता मन फकदा सल्ला रसूल क्रम फरमाते हैं जिसने मेरी बरदारी की उसने अल्लाह की बरदारी की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की तो रसूल क्रम की फरमाबरदारी ये असल दीन है और इसी दीन पर चल कर किसी आदमी को अल्लाह की रजामंदी और जन्नत हासिल होती है अब रसूल अक्रम अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को तरबियत दी थी उनका हाल क्या था जो बात हमने आपको बतलाई कि रसूल की फर्मा बरदारी करना है हज़रत अबू जाफ़र बयान करते हैं तब में से हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तहु के तल्लुक से जो सब रसूल हैं فرماتے ہیں رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیثا لم يعدوه ولم يقصر دونه الله کے رسول کی کوئی حدیث سنتے تو اس پر عمل پیرا ہو جاتے اگر مگر نہیں کرتے اور اس میں کسی طرح کی ये तरीक़ा था साहबा कराम का इसी तरीक़े पर साहबा कराम को रसूल अक्रम ने तरबीत दी थी और दीन पर चलने का आदि बनाया था अब मैं अपने असल मौजू पर आता हूँ कि साहबा कराम के अंदर क्या जज्बा था रसूल अक्रम की फर्मा बरदारी का तो हजरत अब्दुल्ला अबिन उमर रजी अल्लाह तसूल अक्रम की एक बहुत प्यारी हदीस है ला तमन मसाजिद अल्लाह अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से ना रोको रसूल अक्रम ने फरमा दिया रसूल अक्रम के पूरे जमाने में खराफा राशिदीन के जमाने में आजकल बाज लोग कह रहे हैं हजरत उम्र खत्ताब ने अपने जमाने में मना कर दिया था हालांकि सही हदीस में ये बात मौजूद है एक साहब ने उनकी बीवी से किसकी उम्र खत्ताब उमर फ़ारूक़ की बीवी से कहा आप मस्जिद क्यों आती हैं आपको मालूम है उमर इसको पसंद नहीं करते कहा कि मालूम है फिर क्यों जाती हैं कहा इसलिए जाती हूँ कि मेरे रसूल ने कहा है कि औरतों को मस्जिद जाने से ना को क्या आपके शौहर तो नहीं चाहते कहा नहीं चाहते तो मुझे मना कर दे नहीं जाऊंगी हजरत मर खत्ताब को जब ये बात बताई गई तो कहा कि मैं कैसे मना कर सकता हूँ मैंने अल्लाह के रसूल से यह हदीस सुनी है कि औरतों को मस्जिद जाने से ना को तो मैं अपने रसूल की मुखालफत कैसे कर सकता हूं चाहते थे ना जाए लेकिन रसूल ने मना कर दिया है कि मतरो को तो ये जुरत नहीं कर सके कि अपनी बीवी को रोक दें अपनी बीवी को जो नहीं रोके वो दूसरों की बीवियों को कैसे रोकेगा झूठी बात लोगों ने फैला रखी है अब उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इबिन उमर एक दिन अपने घर में बैठकर यह हदीस सुना रहे हैं उनके एक बेटे कहते हैं लनम्नाहुन्ना मैं तो रोकूंगा तो हजरत अब्दुल्लाबन उमर रजील्ला तारजबन शदीदन सख्त तरीन गजब नाक हुए और फरमाया वो हद सुन रसूल वसल्लम मैं अल्लाह के रसूल की तुझे हदीस सुना रहा हूँ अल्लाह के रसूल ने कहा मत रोको और तू कह रहा रोकूंगा कसम अल्लाह की मैं तुझसे कभी कलाम नहीं करूँगा इब्ने माजा शरीफ में और दीगर हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है और सही हदीस है एक और हदीस हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुगफल बड़े साहब हैं रसूल अक्रम के अपने भतीजे के बराबर में यूं कहिए या यूं कहिए कि भतीजा उनके बराबर में बैठा हुआ है और कंकरी से वो कंकरियां फेंक रहा है मार रहा है उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने इस बात से मना किया है और कहा है कि ना तो इससे शिकार होता है और ना ये किसी दुश्मन को रोक पाता है बल्कि ये किसी का दांत तोड़ देती है कंकरी किसी की आंख फोड़ देती है उसने हदीस सुनी फिर भी कंकरी उठाकर फेंकी तो क्या हुआ कहा इन्ना रसूल अल्ला नहा अनहा मैंने हदीस बैन की तूने सुनी और इसके बाद भी तूने कंकरी चलाई लाओ कल मुकाबदन तुझसे कभी जिंदगी में कलाम नहीं करूंगा आपको मालूम है कि एक मुसलमान से तीन दिन से ज्यादा बात बंद नहीं करना चाहिए लेकिन जब मामला रसूल अक्रम की ही था तो फर्मा का और उसमें कोताही का आपकी हदीस की नाफरमानी कहा जाए तो सब रसूल कहते हैं कि तू बावजूद इसके कि मेरा भतीजा है भाई से मोहब्बत है तुझसे मोहब्बत है लेकिन मेरे रसूल की नाफरमानी करता है इसलिए तू तो इस लायक नहीं कि तुझसे कलाम किया जाए जिंदगी भर कलाम ना करने की कसम खाली ये हदीस भी सही है इबन माजा की है एक और हदीस हजरत उबादा इबिन सामित रजाल्ला हो रसूल अक्रम सम के बड़े साहबी हैं और उन नबा में से हैं जो मदीने के मक्का गए थे और पहले पहले मुसलमान हुए थे जिनको नकीब कहा जाता है बड़ी फजीलत वाले लोग हैं अंसारी साहबी और यही साहबी हैं जो ये हदीस बयान करते हैं कि बगैर फातिहा के नमाज नहीं होती है क्या हुआ हजरत मुआविया रजी अल्लाह के साथ काफिरों से जहाद करने के लिए एक मुल्क में गए हुए हैं वहाँ पर जब इन फौजियों को थोड़ा वक्त मिलता है बैठने का तो ये आपस में लेन देन करते हैं सोना सोना उसकी डली और उसके बाद ये दूसरी चीज़ों से दरहमो दीनार से सोने की डली दरहम दीनार से ख़रीद रहे हैं और बेचते हैं फरमाया कि मेरा ख्याल तो ये है कि तुम लोग सूद खा रहे हो या यू अन्ना सिन्न ताकलून रिबा समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल ला तब ताऊ दहब बिल दहब इल्ला मसलन बी मसलन ला दिया दत बाई नहु सोने को सोने से थोड़ा ज्यादा करके खरीदना मना है देरहम चांदी का सिक्का होता है और दीनार सोने का सिक्का होता है। दीनार से आप सोने की डली खरीद रहे हो यह जायज़ नहीं है बराबर बराबर तोल के ले सकते हो आप। उन्होंने यह हदीस बहन की हजरत मुआविया रजी अल्लाह तु ने कहा या अबुलवलीद ला هذا, फिहादा वलीद यह उनकी कुनीत है उबादेब बिन सामिद की कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये रिबा नहीं है आप रिबा कह रहे नहीं, इसको ये रिबा नहीं है क्या फरमाया वो हदस सुन रसूल वह तुह का मैं तुझे अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा और तू मुझे अपनी राय बता रहा है लाइन नखर अजन अल्लाह ला उषा के ना कभी और दिल लिहा इमरा अगर बल्जत ने मुझे इस जंग से खैरियत से वापस लौटाया तो मैं कभी जिंदगी भर ऐसी जमीन में नहीं रहूंगा जहां तुम्हारी इमारत का हुक्म चलता हो इतनी बड़ी कसम खाली बहरहाल जंग खत्म हो गई वापस आए और आप सब जानते हैं कि हजरत मुआविया की इमारत का जो इलाका था वो शाम का था तो शाम से वापस आ गए मदीना हजरत उमर ख़त्ताब का जमाना था तो उनको देखा कहा कि वली तुम यहाँ कहा कि हाँ यहाँ कैसे आपको तो वहाँ भेजा था कहा कि हाँ ऐसा ऐसा मामला हुआ पूरी बात बताई फरमाया वली

ये भी इब्ने माजा शरीफ की हदीस है और सही है क्या फरमाया हजरत मुआविया को लिखा अबुल उबादा इब्ने सामित पर तुम्हारी इमारत नहीं चलेगी ये तुम्हारी इमारत से खारिज हैं तुम इन्हें कोई हुक्म नहीं दे सकते और जो बात इन्होंने कही थी वो बात दुरुस्त है उसी पर तमाम लोगों को चलने का हुक्म दो आप देख रहे हैं सहाबी रसूल हैं लेकिन रसूल अकरम की एक बात की नाफ़रमानी करती हुई जब देखा कि यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो इलाका छोड़कर चले आए एक और हदीस रसूल अकरम की हजरत औफ अबिन मालिक रजी अल्लाह कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग छः सात आदमी थे या सात आदमी थे तो अल्लाह के रसूल से हमने बैत की फिर आप फरमाने लगे अबात अला तोबाऊ न रसूल अल्लाह क्या तुम लोग अल्लाह के रसूल से बैत नहीं करोगे तो हमने कहा अल्लाह के रसूल अभी तो हमने बैत की है आपने फिर फ़रमाया अला तबायऊन रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल से बैत नहीं करोगे तो हमने फिर वही कहा तीसरी बात हमने कहा अल्लाह के रसूल हम आपसे बैत करेंगे तब तो आपने क्या फरमाया इन्होंने कहा किस बात पर बैत करें बैत तो कर ली है कहा इस बात पर अलांता अबूदुल्ला वाला तश्रको भी शैया जिंदगी भर इबादत अल्लाह की करोगे और किसी भी ज़ात को नबी की हो वली की हो पीर की हो पैगंबर की हो अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराओगे खम्स पांच वक्त की नमाज़ की पाबंदी करोगे वह तो अल्लाह की फरमा बरदारी करोगे वह असर कली और एक बात हल्के से फरमाई वो क्या थी वो थी वना सा जिंदगी में कभी किसी से कोई चीज़ मांगोगे नहीं हजरत और फरमाते हैं फल तो बाद उलाई के नफर इन लोगों में से जिन लोगों ने बात की थी रसूल अक्रम से हमने देखा कि इनकी हालत ये थी जिंदगी भर कि अगर उनका कोड़ा भी गिर जाता वो घोड़े पर बैठे ऊंट पर बैठे और कोड़ा गिर गया तो किसी से ये नहीं कहते थे कि भाई ज़रा कोड़ा उठा देना नहीं उससे उतरते थे और फिर ख़ुद उठाकर फिर उस पर बैठते थे ज़िंदगी भर रसूल अकरम के इस फरमान की तामील उन्होंने की और रसूल अकरम के इस फरमान को ज़िंदगी भर उन्होंने मामूली मामूली बातों में भी फरामोश नहीं किया हज़रत अबू मसूद बदरी रजी अल्लाह बड़े मशहूर साहबी हैं कहते हैं एक बार मैं कोड़े से अपने ग़ुलाम को मार रहा था मैं मेरा वक्त खत्म हो रहा है जल्दी जल्दी बात करता हूं अचानक पीछे से आवाज आई या बामसूद या मसूद मुझे गुस्सा इतना था गुलाम के ऊपर कि मैं समझ नहीं पाया कि यह आवाज देने वाला है कौन यहां तक कि जब आवाज करीब आई तो मैंने देखा कि वो अल्लाह के रसूल हैं और आप फरमा रहे हैं अबा मसूद कोड़ा मेरे हाथ से जमीन पर गिर गया आपने फरमाया फरमायाबा मसूद अबू मसूद जितनी कुदरत तुम्हें इस गुलाम पर है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह इज्जत को कुदरत है तुम्हारे ऊपर तुम उसको इतनी बेदर्दी से मार रहे हो फकुल्अर ला ममलू कन बहादु अबदा मुस्लिम शरीफ की रिवायत है अल्लाह के रसूल से अहद किया कि अल्लाह के रसूल कभी किसी ग़ुलाम को कुछ भी करे कभी नहीं मारूंगा। एक दूसरी हदीस अभी जुर्री जाबिर बिन सलेम अलजैमी रजाल्ल्ला तुम बताते हैं एक लंबा किस्सा है उसको हम छोड़ देते हैं उन्होंने रसूल अकरम से कहा के रसूल मुझे कुछ वसीयत कीजिए आपने फरमाया तो सब बनना हदन खबरदार कभी किसी को गाली मत देना इस बात को ऐसा गांठ बांधा फमा सबब तो बाहू हुर्रन वाला अब्दन वाला बिरन वाला शातन कभी किसी आदमी को गाली नहीं दी आजाद हो गुलाम हो ऊंट हो बकरी हो इंसान हो जानवर हो कोई भी हो कभी किसी को गाली नहीं दी इस तरह के वाकयात ये तो मैंने दो मुस्लिम शरीफ से और बाकी इब्ने माजा से ये वाकयात सच्ची हदीसों के मैंने आपको बतलाए थे एक और वाक़ सुन के मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है रसूल अकरम जुमा पढ़ा रहे मेंबर पे हैं अचानक आप फरमाते हैं लोगो बैठ जाओ, शायद लोग आए होंगे तो जुमे में खड़े होंगे तो आप मेंबर पे हैं फरमाते हैं इज़लिसु बैठ जाओ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तु का पैर मस्जिद में एक दाखिल हुआ है और एक दाखिल हो रहा है तो दूसरा दाखिल करके वहीं पर बैठ गए जहां जूतियां निकाली जाती हैं रसूल अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी अब्दुल्ला वहां बैठा हुआ है आपने वहीं से आवाज दी अब्दुल्ला ताल अब्दुल्ला आगे आओ वहां क्यों बैठे हो अर्ज किया अल्लाह के रसूल मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में यह आवाज पड़ी आप फरमा रहे हैं बैठ जाओ तो मैं वहाँ बैठ गया यानी इतना भी अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं किया कि आप किसी और के लिए कह रहे होंगे हाय हाय और आज हमारा क्या हाल है कैसी अगर मगर हमने लगा रखी है किसी को कोई हदीस सुनाइए तो क्या कहेगा हाँ हाँ ठीक है हदीस तो है हमने भी पढ़ी है लेकिन देखिए ना इसका ये मतलब भी तो हो सकता है वो मतलब भी तो हो सकता है लेकिन हमारे इमाम ने भी तो यह हदीस पढ़ी होगी हमारे फुखा ने इसका ये माना बताया है हमारे मुफ्ती साहब तो कहते हैं कि इसका ये मतलब है और हमारे मौलवी ये कह रहे हैं हमारी फ़िक में ये है हमारे फ़तावे में ये लिखा है हमारे यहाँ ये चलता है तुम्हरे तो रसूल से हटकर इमाम से लेकर फेक फतावा मसलक मजहब और हमारे यहाँ और हमारे ख़ानदान में कितनी सारी चीज़ें निकाल रखी है रसूल अक्रम के फरमान से रूगरदानी करने के लिए क्या ये तरीक़ा वो तरीक़ा है जो रसूल अक्रम ने बतलाया था क्या ये तरीक़ा वो है जो साहबा कराम अपनाते थे क्या ये उस आयत करीमा की तफसीर है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी कि रसूल अलैहि वसल्लम के साहब कराम रसूल अकरम की कोई बात सुनते थे तो फौरन उस पर अमल करते थे और कभी भी उसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते थे एक बात और कहकर बात ख़त्म करता हूँ एक मजलिस में रसूल अक्रम सल्हलम बैठे हुए साहब कराम के साथ हजरत अब्दुल्ला इबन अब्बास ये बात बयान करते हैं आपकी नज़र पड़ी एक आदमी की उंगली पर उसकी उंगली में सोने की अंगूठी है आप उठे और उसकी उंगली से वो अंगूठी निकाल कर आपने फेंक दी और फरमाया ये आमिद वाहद को मिला जमरत नारिन फैलूफी यदि ही तुम लोगों को कुछ भी ख्याल नहीं है अपनी उंगलियों में जहन्नम के शोले लिए बैठे हो मजलिस चली जब तक किसी ने कुछ नहीं कहा फिर आप उठकर चले गए मजलिस बर्खास्त हुई वो साहब भी वहीं बैठे हुए हैं और सब कराम भी बैठे हुए हैं एक साहब कहते हैं कि अपनी अंगूठी उठा लो खुद खात्मे का वंतफे तफे ही अपनी अंगूठी उठा लो और उससे फायदा उठाओ कुछ और बनवा लेना उस साहबी ने जो कहा वो है काबिल गौर हमारे लिए क्या फरमाया ला वल्लाही।

सोने की कीमत किसी ज़माने में कम नहीं हुई है बल्कि सारी कीमतें सोने से ही तय होती हैं सभी रसूल हैं रसूल अक्रम ने निकाल कर फेंक दी तो ये गवारा नहीं किया कि संगूठी को उठा लें बीवी को बनवा देंगे किसी और काम में ले आएंगे, नहीं तो सोनार के यहाँ जाकर बेच देंगे किया ऐसा नहीं किया ये था जज्बा इतबा रसूल का साहब कराम के यहाँ आज मुसलमानों के पास इल्म है, है मदारस हैं मसाजिद हैं दाढ़ियाँ हैं टोपियाँ हैं बड़े बड़े इस्कूल हैं कॉलेज हैं दारूम हैं किसी बात की कमी है उम्मत में किसी चीज़ की कमी नहीं है पहले के मुकाबले में सैकड़ों गुना बढ़ी हुई है अगर कमी है तो सिर्फ़ ईमान की और इतबा रसूल की ये जो कुछ भी हम आस पास में देख रहे हैं या हिंदुस्तान में देख रहे हैं खलीजी ममालिक में देख रहे हैं और जो दुनिया में देख रहे हैं मुसलमानों की जो और ख़ारिया हो रही हैं उसका बड़ा सबब रसूल अक्रम सी इतात व फरमा बरदारी को ना समझ कर उसको नज़रअंदाज करना और उससे जी चुराना ये बड़ा सबब है अल्लाह रबालजत हमें और आपको निकमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे दिल में रसूल अकरम की असली सही खालिस मोहब्बत पैदा करें जो हकीक़त में इत्तबाए रसूल पर उभारती है जब तक मोहब्बत नहीं होगी तब तक इत्तबाए रसूल का जज्बा हमारे दिल में पैदा नहीं होगा परवरदगार हमें इतमा रसूल का सही जज्बाता फ़रमाए और महब्बत रसूल से हमारे दिलों को मुनवर फरमाए बाखिर उदमदुल्लब